स्कोर फाउंडेशन और टेक महिंद्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं नजरिया नजरिया, एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, अकाउंटेंसी दृष्टिहीन लोगों के लिए मुश्किल माने जाते हैं, लेकिन बैंगलोर के राजदीप मनवानी ने इस सोच को चुनौती दी। नमस्कार सभी सुनने वालों को, क्योंकि सब आर्ट्स ह्यूमैनिटीज संगीत चुनते हैं तो मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए। एक्चुअली मेरी माँ ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य मुझसे कहा था। उसने बोला था, राजदीप रोशनी आपकी आंखों से चली जा सकती है पर आपसे दिल से कोई आपकी रोशनी निकाल नहीं सकता। एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, जिसका नाम है श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज। वहाँ पे मैं कॉमर्स रिलेटेड सब सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। उसके अलावा मुझे ट्रेनिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, गोल सेटिंग और उन बातों में। सातवीं कक्षा में मैंने देखना शुरू किया कि मैं पेपर पढ़ नहीं सकता हूँ, हैंड राइटिंग एड़े टेढ़े जा रहे हैं। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन लोगों ने डायग्नोज किया कि मैक्यूलर डिजेनरेशन है, जिससे दृष्टि कम होती जाती है। जो मेरे एग्जाम्स थे उसके लिए मुझे स्क्राइब लेना पड़ा और फिर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना था कि देखो ये जा रहा है पर फिर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ मैथ्स कैन बी वर्कड आउट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जो तकलीफ होती है दृष्टिविहीनों को, उसमें सिर्फ ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री के लिए, जैसे मैंने कहा मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी गई, मैं फेल्ट पेन से ड्रॉ करता था और फिर हाथों से फील करता था, टैक्टाइल जिसे कहते हैं। जब मैंने शुरू किया तो मुझे था एक थोड़ा बहुत फ्लेयर कम्युनिकेशन के लिए। मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन शुरू किया सिक्स स्टैंडर्ड में, सिक्स स्टैंडर्ड सेवन स्टैंडर्ड में मैं कुछ नहीं जीता, पर आठ स्टैंडर्ड के बाद मैं जिस भी डिबेट में गया हूं मैं कभी हारा नहीं हूं। तो ट्राई एंड टेक पार्ट इन पब्लिक फोरम्स। आपको डर लगेगा पहले, यू हैव टू कीप डेवलपिंग दैट स्किल। सेकंड थिंग इज इम्बाइब व्हाट यू कैन। मेंटल नोट्स बनाइए या अपने कंप्यूटर में जो भी इंटरेस्टिंग है नोट करिए, विच यू कैन यूज इन योर स्पीचेस एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। और तीसरी चीज है, जब भी बोलिए दिल से बोलिए। आप जब दिल से बोलेंगे तो ऑडियंस आपको जरूर सराहेगी। एक खुशखबरी दृष्टिहीन ग्रेजुएट्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और साथ में प्लेसमेंट सर्विसेज भी। और जानने के लिए कॉल करें 0112647258। अंजू, मिस्टर सिंह का भाषण लंबा जरूर था बट उनकी ये बात सही थी कि अब भी हमारे जैसे ब्लाइंड लोगों की जरूरतों पर लोग ध्यान नहीं देते। मैं अग्री नहीं करती उस बात से। कुछ लोग हैं जो समझते हैं और कुछ लोग हैं जो अब समझने लगे हैं। बाय द वे, टाइम क्या हुआ है? अभी 2 बज रहे हैं। मोड़ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो उसी को ट्राई करते हैं। चलो। कुछ और लेंगे? नो थैंक्स, वैसे खाना बहुत टेस्टी था। थैंक्स मैम, मैं बिल भिजवाता हूँ। भाई साहब, वॉशरूम किधर है? उधर परले बाजू में। जब किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को गाइड करें तो इधर उधर और परले बाजू जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे ये नहीं समझ आएगा कि एग्जैक्ट दिशा क्या है। तो भाई सही तरीका क्या है? एक्सक्यूज मी सर, आपके सीधे लेफ्ट में 3 टेबल के बाद दरवाजे के राइट में फर्स्ट डोर फॉर मैन, सेकंड फॉर वुमेन। इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार सुबह 9:15 पर और दोपहर 3:30 बजे, और साथ ही साथ मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार 7:30 बजे। दृष्टिहीन ग्रेजुएट्स के लिए रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सर्विसेज भी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0112647258। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।